तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो सुबह में थोड़ा सा काम था, इसीलिए ये वीडियो शुरू होते होते शाम के या दोपहर के बोल लो 4 बज गए हैं। तो आज मैं वीडियो शूट करने के लिए मेरे घर के जस्ट पीछे एक तालाब है, वहाँ पे आया हूँ। आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल तालाब का पानी कम हो चुका है, पर बारिश में ये पूरा भर जाता है और कभी कभी ओवरफ्लो भी हो जाता है। तो अभी बहुत दिन बाद थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है, इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा बाइक पे भी ध्यान दे दूँ कि बाइक कितनी गंदी हो चुकी है। आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्रंट से शुरू करते हैं, एक बार आप बाइक की हालत देख लो क्या हो चुकी है, पूरा डस्ट से भरी हुई है। ये देखो, एक बार टैंक पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मतलब पूरा डस्ट से भरी हुई है बाइक फिलहाल। तो अभी बाइक को ले चलते हैं वॉशिंग के लिए। तो वॉशिंग सेंटर भी मेरे घर से जस्ट 2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे चलते हैं। पर बाइक को वॉश के लिए लेके जाने से पहले मैं हर टाइम एक ज़रूरी चीज़ करता हूँ, वो क्या है आपको बताता हूँ अभी। तो अभी आप देख सकते हो चेन कितना गंदा हो चुका है, सब मिट्टी वगैरह अंदर ही फंस गया उसमें। तो सबसे पहले तो हमें चेन साफ़ करना होगा घर पे जाके, और उसके बाद बाइक को वॉश के लिए लेकर जाना होगा। तो मैं अभी आ चुका हूँ बाइक के पास। तो चेन क्लीन करने के लिए क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक ब्रश है जो कुछ इस तरह है, तीनों साइड से चेन को क्लीन करता है, और एक पीछे के साइड में भी इसका ब्रश है, वो खाली वन साइड से करता है। सेकंड नंबर और एक ब्रश है, तो अगर उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है तो ये हमारा टूथब्रश, और लास्ट ये केरोसिन है, इससे एकदम बढ़िया चेन साफ होती है। तो अभी चेन क्लीन करता हूँ और उसके बाद में मिलता हूँ। ये देखिए, पूरी मिट्टी निकल चुकी है इसकी वजह से। अभी देख सकते हो चेन का लुक, अभी भी पूरी तरह से चेन क्लीन नहीं है, क्योंकि वॉशिंग सेंटर जाके उस पर प्रेशर से पानी मारना पड़ेगा, तभी जाके वो अच्छे से क्लीन होगी। यहाँ से तो चेन क्लीन हो चुकी है यहाँ से, पर फिर भी यहाँ पे भी पूरी मिट्टी जम जाती है अंदर। तो ये हमें खोलना होगा, इसके लिए हमें लगेगा ये स्पैनर, 8 नंबर का है ये। सो ये देखिए, अभी ये पार्ट मैंने निकाल दिया है। अभी आपको थोड़ा सा दिख जाएगा कि यहाँ पे कितना मिट्टी जम चुका है। तो अभी ये हमें पूरा क्लीन करना होगा। अभी आप देख लो कि कितना क्लीन हो चुका है ये एरिया, पहले यहाँ पे पूरा मिट्टी भरा था, अभी देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी बाइक की चेन कम्प्लीटली क्लीन हो चुकी है, तो अभी हम बाइक को लेके निकलते हैं वॉशिंग के लिए। तो अभी बाइक आ चुकी है वॉशिंग सेंटर पे, अभी वॉशिंग चालू होगी। क्लीन हो चुकी है, अभी अपना भाई इस पे पॉलिश मार रहा है। ये देख सकते हो आप, चेन भी एकदम पूरी तरह से साफ। तो पॉलिश मारने के बाद भी एक बार कपड़ा मारना पड़ता है, ऐसा भाई ने बोला है।
तो इसीलिए वो कपड़ा मार रहा है, नहीं तो ज़्यादा धूल पकड़ती है। बराबर। तो ये है गाड़ी का फाइनल लुक वॉशिंग होने के बाद, आपको दिखाता हूँ। बाइक हो चुकी है पूरी क्लीन, और अभी एक खाली लास्ट काम बाकी है, बाइक के चेन को ल्यूब करना है। तो मेरे पास उसके लिए एक चेन ल्यूब है, ये विस्टा का, विस्टा ऑटो केयर बाइक केयर चेन ल्यूब। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं, पर अभी तक मुझे यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब एक बार मारने के बाद ये 500-600 किलोमीटर आराम से चल जाता है। तो अभी वही मारते चेन पे, बाइक को डालते हैं गियर पे, सेट करते हैं। तो ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि अगर मैं नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अंटिल देन कीप राइडिंग, स्टे सेफ।